ये देखिए इडली हमारी बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट और स्पंजी बनके तैयार हुई है। इसे हमने सिर्फ दाल और चावल से बनाया है। परफेक्ट साउथ इंडियन स्टाइल इडली बनाने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें तभी आप बना पाएंगे। इडली बनाने के लिए एक बर्तन लेंगे और इस तरह का कप या गिलास सेट कर लेंगे। चलिए इसी गिलास से हम चावल नाप लेते हैं। 3 गिलास कच्चा चावल या अरवा चावल लेंगे। यहाँ मैंने रेगुलर राइस लिया है, आपके पास अगर इडली राइस हो तो आप वो लें, नहीं तो नॉर्मल राइस से भी ये परफेक्ट सॉफ्ट और स्पंजी इडली बनके तैयार होगा। 3 गिलास चावल यहाँ मैंने ले लिया है और अब एक दूसरे बर्तन में उसी गिलास या सेम गिलास से एक गिलास भर कर उड़द की दाल लेंगे। यहाँ मैंने गोटा उड़द का दाल लिया है, आपके पास जो अवेलेबल है आप उसी को ले, और उड़द की दाल में पानी डाल करके उड़द की दाल को हाथ से इस तरह मसलते हुए अच्छे से वॉश कर लेंगे या धो लेंगे, जिससे इसके ऊपर लगा हुआ धूल मिट्टी या डस्ट अच्छी तरह से निकल जाए। दाल को हमें मात्र 1 से 2 बार ही वॉश करना है, इससे ज़्यादा वॉश नहीं करना है, नहीं तो दाल का नेचुरल स्टार्च धुल जाता है, तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। और अब हम इसमें पानी डाल करके इसे फूलने के लिए 3 से 4 घंटा के लिए छोड़ देंगे। और अब चलिए हम चावल को भी धो लेते हैं। चावल में पानी डालकर हाथ से इस तरह मिलाते हुए और चावल को रब करते हुए 2 से 3 बार पानी से हम अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। और चलिए अब हम इस चावल में पानी डालकर दाल और चावल को 3 से 4 घंटे के लिए भिगो देंगे या पानी में अच्छी तरह फूलने देंगे। दाल को 2 से ज़्यादा बार ना धोए, नहीं तो इडली हमारी सॉफ्ट और स्पंजी नहीं बनेगी। दाल और चावल भिगोए 4 घंटे हो गए हैं और ये देखिए दाल और चावल हमारे फूल के डबल हो गए हैं। और चलिए अब हम इसे मिक्सर जार में डालकर पीस लेंगे। पीसने के लिए यहाँ मैंने एक जार लिया है और इसमें हम दाल डालेंगे। दाल हमारा अच्छे से ग्राइंड हो इसके लिए हम 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह बहुत ही महीन पीस लेंगे। ये देखिए दाल हमारा बिल्कुल महीन पीस के तैयार हो गया है। हम इसे एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। सेम जार में ही हम चावल को भी पीस लेंगे। चावल को भी हमें बहुत ही बारीक पीसना है। बारीक पीसने से इडली हमारी बिल्कुल रुई जैसी सॉफ्ट और स्पंजी बनके तैयार होगी। ये देखिए चावल को भी मैंने महीन पीस लिया है और अब हम इसे दाल वाले बैटर में ही ट्रांसफ़र कर देंगे। और सेम तरीके से बाकी बचे हुए चावल को भी हम जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे या पीस लेंगे और साफ हाथ से दाल और चावल के बैटर को हम मिला लेंगे। हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिला लेंगे, जिससे रुई जैसे सॉफ्ट हमारी इडली बनके तैयार होगी। ये स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें और आप इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मिलाएं। परफेक्ट और सॉफ्ट इडली के लिए आप इस स्टेप को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसे आप चम्मच से ना मिलाकर हाथ से अच्छी तरह से मिलाएं, जिससे आपकी इडली रुई जैसी सॉफ्ट और स्पंजी बनके तैयार होगी। और अब हम इसे ढक कर रात भर या 8-9 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रखेंगे। ये देखिए दोस्तों इडली का बैटर हमारा फर्मेंट हो गया है। बैटर फर्मेंट होकर के डबल हो गया है और अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप इडली बनाने से आधा घंटा पहले ऐड करें। नमक डालकर बैटर को हम अच्छी तरह से नीचे से ऊपर की तरफ करते हुए मिला लेंगे। और ये देखिए बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो गया है। अगर आपको बैटर आपका गाढ़ा लगे तो आप इसमें 1/2 से 1 कप पानी डालें, लेकिन पानी भी आप थोड़ा थोड़ा मात्रा में डालें, जिससे बैटर हमारा ज़्यादा लिक्विडी ना हो। नमक डालकर आधा घंटा हो गया है और ये देखिए बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। और चलिए अब हम इसमें से इडली बना लेते हैं। परफेक्ट सॉफ्ट इडली बनाने के लिए आप बताए गए सभी स्टेप को फॉलो करें, तभी आपकी इडली बिल्कुल परफेक्ट और स्पॉन्जी बनके तैयार होगी। यहाँ मैंने इडली बनाने के लिए इडली स्टैंड ले लिया है। इडली स्टैंड में थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे।
हमें इडली स्टैंड को पूरा फिल नहीं करना है। आप चाहे तो इडली स्टैंड को तेल या घी से ग्रीस कर सकते हैं और इसके बाद इसमें बैटर डालें, इससे इडली इजीली निकल जाता है। ये देखिए, यहाँ मैंने इडली स्टैंड में बैटर फिल कर लिया है और चलिए अब हम इसे स्टीम होने के लिए रखेंगे। यहाँ मैंने एक बर्तन में एक गिलास पानी डाल करके इसे गर्म होने रख दिया था और अब हम इसमें इडली स्टैंड रखेंगे और इसे ढक कर 5 से 7 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। ये देखिए 7 मिनट हो गया है, हम इडली को चेक कर लेंगे। साफ़ चाकू से इस तरह दबाते हुए चेक कर लेंगे। ये देखिए चाकू हमारा क्लीन निकला है, मतलब इडली हमारा पक गया है और अब हम इसे इडली स्टैंड से निकाल करके बाहर ठंडा होने देंगे। इडली हमारा ठंडा हो गया है, हम इसे स्टैंड से निकाल लेंगे। इडली का परफेक्ट शेप के लिए आप इडली स्टैंड को ठंडा होने दें, उसके बाद ही इडली स्टैंड से इडली निकालें तो आपका इडली का शेप बिल्कुल परफेक्ट निकल के आएगा। और ये देखिए, यहाँ मैं चम्मच से इडली को निकाल रही हूँ और ये देखिए इडली हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। आप भी इसी तरह से इडली बनाएं, आपकी भी इडली बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी बनके तैयार होगी। और ये देखिए, यहाँ मैंने सारे इडली को निकाल लिया है और इडली हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हुई है। तो आप इस तरह से इडली ज़रूर बनाएं। आपको मेरी वीडियो या रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।